हाय फ्रेंड, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कमिंस इंजन 6 BTA मॉडल में जो है, जिसे क्रैंकशाफ्ट लगाने के बाद जो है, ये हम मेन बेयरिंग कैप को जो है हम कैसे लगाते हैं। ये देखिए, पहले मेन बेयरिंग कैप का जो है हम सीरियल नंबर उसमें चेक कर लेते हैं, और सीरियल नंबर चेक करने के बाद ही जो है उस बेयरिंग को जो जिस साइड में ब्लॉक में नंबरिंग होता है उसी हिसाब से जो है उसको मैच करके जो है ये मेन बेयरिंग का जो है कैप हम लगाते हैं। और कैप को लगाने के बाद जो है इसका बोल्ट जो है उसको हम हाथ से ही उसको पहले इंगेज कर देते हैं, ताकि ये चीज़ें जो है हमारी कंफर्म हो जाए कि सभी बोल्ट जो है अपनी जगह पे सही से लग गया है। इसलिए हर मेन बेयरिंग कैप का जो है नंबरिंग एक एक करके जो है मैच करके जो है लगाना होता है, क्योंकि जो इसका लाइन बोर होता है उसी हिसाब से होता है, और उसी के ऊपर जो है ये नंबरिंग जो है कैप के ऊपर भी जो है मेंशन कर दिया जाता है। इसलिए जो है उसको बहुत ही क्लियर से जो है उसको चेक करने के बाद ही जो है ये मेन बेयरिंग कैप लगाते हैं, और उसके बाद जो है सभी उसके बोल्ट को जो है हम लोग बाई हैंड जो है उसको इंगेज कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों, फ्रेंडों और टेक्नीशियन को भी इसको